हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे नर्सरी में पढ़ते हैं। एक्चुअली आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे कुछ व्यूअर्स कमेंट कर रहे थे कि मैं नर्सरी क्लास की वर्कशीट शेयर करूं, तो आज मैं टोटल 15 वर्कशीट पैटर्न शेयर करने वाली हूं, जिनसे आपको आइडिया होगा कि किस तरह से नर्सरी क्लास के बच्चों की प्रैक्टिस करवाई जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे को लेटर आइडेंटिफिकेशन सिखाइए। एक ही साथ आप उसे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों ही सिखाइए, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। तुमने ये कैपिटल लेटर बी और ये स्मॉल लेटर बी, देन बी से बनने वाले जितने मैक्सिमम वर्ड्स आप इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं करवाइए। जैसे बी फॉर बॉल, बैलून, बोट, बल्ब, बर्ड, बर्थडे, बैंक, बैट, जितनी ज़्यादा वर्ड्स आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं करवाइए। उन्हें खुद भी सोचने को बोलिए बॉ साउंड से बनने वाले वर्ड्स, अगर लेटर बी पढ़ा रही हैं तो। देन बारी आती है प्रैक्टिस वर्कशीट। तो प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह के वर्कशीट बनाइए। कलर द ऑब्जेक्ट विच बिगिन विद एफ। यहाँ मैं एफ लेटर का करवा रही हूँ। आप जिस भी लेटर की प्रैक्टिस बच्चे को करवा रही हैं उससे रिलेटेड वर्कशीट बनाइए। उसके लिए कुछ फोटोज आपको लेटर एफ से शुरू होने वाले बनाने हैं और कुछ अदर बनाने हैं। जैसे लेटर एफ से शुरू होने वाला फिश, फ्रॉक और फ्लावर बना दिए मैंने, और दो फोटो एक्स्ट्रा बना हुआ है। यहाँ बच्चे को खुद ही सोचना है कि एफ से कौन सा ऑब्जेक्ट होगा और उसे कलर करना है। तो एफ फॉर फिश होता है, इसे कलर करेगा। सन नहीं होता है, ये कलर नहीं होगा। मैंगो कलर नहीं होगा। फ्रॉक कलर होगा। और फिर फ्लावर भी कलर होगा। तो इन तीनों में कलर करना है। ये हो गया कलरिंग से रिलेटेड। एक्चुअली नर्सरी क्लास के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो उनके वर्कशीट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोटो ऐड करिए और कलरिंग का काम। देन रीड एंड सर्कल द सेम लेटर्स। अब यहाँ इस लेटर को पढ़ो और इसका जो सेम लेटर इधर लिखा हुआ है उसी को सर्कल करना है। तो ये क्या है, आइडेंटिफाई करेगा बच्चा बी। अब इसमें से बी कौन सा है उसे सर्कल करो। इस तरह से एफ, एफ को सर्कल करो। इधर टी है तो टी को सर्कल करो, और ए है तो ए को सर्कल करो। तो इस तरह से आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों के वर्कशीट बना सकती हैं। पूरा पेज भर के दे दीजिए बच्चे को, वो इधर पढ़े और फिर इधर सर्कल करे। इसी चीज़ को मैचिंग में दीजिए, कि आप सेम लेटर को आपको मैच करना है। जैसे ए, ए कैपिटल लेटर ए है तो इसको कैपिटल ए के साथ मैच करना है। बी को बी के साथ, जी को जी के साथ मैच करो, पी को पी के साथ और एम को एम के साथ। ये सेम पैटर्न आप लोअर केस यानी स्मॉल लेटर के लिए भी बना सकती हैं। उसी को डिफरेंट वे में इस तरह से दीजिए, कैपिटल लेटर यहाँ लिखा हुआ है उसके स्मॉल लेटर के साथ उसे मैच करो। तो डी कैपिटल लेटर में ये हुआ और स्मॉल लेटर में ये हो गया। एफ, एफ का स्मॉल लेटर ये हुआ। टी इस तरह से एम, ए और एल। अब सर्कल द ऑड लेटर्स। अब इन लेटर्स में देखो ऑड कौन सा है। ऑड मीन्स जो अलग है। तो यहाँ ए नंबर में पी, टी, पी, पी, पी पी है, बस एक ही टी है। तो जो अलग है, जो सिंगल है, वो ऑड हो गया, उसे सर्कल करो। बी, बी, बी और एस, तो एस सर्कल होगा। टी और एम, एम, तो टी सर्कल हो गया, ऑड हो गया। क्यू, क्यू, आर, क्यू, तो आर सर्कल होगा। ई, ई, पी, पी, ऑड हो गया। ये हो गया। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट लेटर। अब पिक्चर देखो और उसके करेक्ट लेटर को, फर्स्ट लेटर को सर्कल करना है। तो ये क्या है, बलून्स। बलून्स कौन से लेटर से होगा, सी से नहीं, ए से नहीं, बी फॉर बलून, तो ये सर्कल हो गया। ये क्या है, फिश यानी एफ, एफ को सर्कल करो। ये मैंगो हो गया, तो एम सर्कल होगा। इस तरह से कप के लिए सी सर्कल होगा, और बॉल के लिए बी सर्कल होगा, और ट्री के लिए टी। यहाँ आप बच्चे को कलरिंग के लिए भी बोल सकती हैं कि इन फोटोज में कलर करो और उधर उसके लेटर को सर्कल करो। तो ये लुक एंड राइट भी हो गया विद कलरिंग। नाउ रीड, मैच एंड कलर। अब लेटर्स को पढ़ो, पिक्चर्स के साथ मैच करो और कलर भी करो पिक्चर को। नाउ एच फॉर, एच फॉर हट, तो हट से मैच हो गया। ए फॉर एंट, एंट मैच हो गया। एस फॉर सन, के फॉर काइट, एल फॉर लीफ। फटाफट मैचिंग हो गई और कलरिंग करेंगे बच्चे। नाउ राइट द लोअर केस ऑफ द गिवन अल्फाबेट। अब आपने कैपिटल लेटर लिख दिया, अब बच्चे से बोलिए कि उसके स्मॉल लेटर को तुम्हें लिखना है। तो ए का स्मॉल लेटर ए, इस तरह से बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई। ये वर्कशीट आप अपने हिसाब से जिन लेटर्स को बच्चे ने लर्न किया हुआ है वहाँ तक या उन लेटर्स का बना सकती हैं। नाउ राइट द मिसिंग लेटर्स। अब स्मॉल लेटर
कि ABCD लिख दिया आपने जहां तक बच्चे ने लर्न किया हुआ है और बीच बीच में फिलअप दे दिए, बच्चे को खुद पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। तो ए के बाद बी सी डी लिखा हुआ है तो ई, एफ भी लिखा हुआ है, एफ के बाद जी, एच के बाद आई, जे, के बाद एल, एम के बाद एन, ओ, पी लिखा हुआ है, देन क्यू, आर के बाद एस, टी, यू और वी लिखा हुआ है। इसको आप अपने हिसाब से जहां तक बच्चे ने ABCD लर्न की हुई है वहां तक बना सकती हैं। और एक बात यहां बताऊंगी मैं कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि पढ़ने और लिखने दोनों ही में स्मॉल लेटर के यूजेस ज्यादा हैं। ये हो गया, नाउ लुक एंड राइट आ गया। अब पिक्चर को देखो और उनके फर्स्ट लेटर को लिखो। जैसे ये जग है तो जग कौन से लेटर से होगा, जे से, जे यहां लिख दिया, बैट का बी लिख दिया, फ्लावर का एफ लिख दिया, मैट का एम, काइट का के और ये केक का सी। इस तरह से बहुत सारे फोटो बनाइए और उनके लेटर्स को बच्चे इधर लिखेंगे। यहां बच्चे कलरिंग भी कर सकते हैं, इसी चीज को मैचिंग में दे सकती हैं आप। ये फोटो भी बना दिया और लेटर्स भी लिख दिए, बच्चे को बस सिंपली मैच करना है। जैसे ग्रेप्स जी से होता है तो इसे जी से मैच करो, कप सी से मैच होगा, एग एग ई से मैच होगा, रैट आर से और जीरो जेड से। इस तरह से इसी चीज को मैचिंग में दीजिए या लुक एंड राइट मतलब पिक्चर देखो और उनके नाम लिखो। इसके लिए आपको रफली छोटे छोटे डायग्राम बनाने होंगे। नाउ राइट द लेटर्स दैट कम्स आफ्टर। अब इसी चीज को आफ्टर बिफोर बिटवीन के रूप में दीजिए। जैसे ABCD पढ़ो और देखो इस लेटर के बाद क्या आने वाला है। तो ए के बाद क्या आता है, बी, डी के बाद ई, पी के बाद क्यू, एल के बाद एम, सी के बाद डी, क्यू के बाद आर, एम के बाद एन, टी के बाद यू, जे के बाद के। एंड नाउ राइट द लेटर दैट कम्स बिफोर। अब इस लेटर के बिफोर जो लेटर आ रहा है वो लिखना है। तो सी से पहले क्या आता है, उसके लिए बच्चे को बोलिए कि तुम अब ए से सी तक पढ़ो। तो ए बी सी, तो सी के पहले क्या बोला, बी, ये लिख देना है। अब यू, तो यू के पहले क्या आता है, फिर से ए से पढ़ना शुरू करो, तो टी यू, यू के पहले टी आया। इस तरह से एम तक पढ़ो, एम के पहले क्या आया, एल, पी के पहले क्या आया, ओ, और टी के पहले एस, ई के पहले डी। इस तरह से यहां बच्चे बार बार पढ़ेंगे तो उनको लर्न भी होगा, रिवीजन होगा उनका, और बाद में तो वो धड़ल्ले से करने लगते हैं जब उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। अब राइट द लेटर्स दैट कम्स बिटवीन। अब इन दोनों लेटर्स के बीच में जो लेटर आ रहा है वो लिखना है। तो एम और ओ के बीच में क्या होगा, इसके लिए तुम ओ तक रीड करो ABCD को। तो एम एन ओ, बी सी डी, पी क्यू आर, ए बी सी, ई एफ जी, जे के एल। इस तरह से यहां बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके लिए एक हिंट दीजिए, उनको समझाइए कि अगर लेटर्स के बाद डैश बना हुआ है मतलब उस लेटर के आफ्टर बाद में आने वाला लेटर तुम्हें लिखना है, और लेटर के पहले डैश बना हुआ है मतलब बिफोर, तुम्हें उस लेटर के पहले वाले लेटर को लिखना है, और दोनों के बीच में डैश बना हुआ है मीन्स बिटवीन, दोनों के बीच में आने वाले लेटर्स को वहां लिखना है। इस तरह से आप समझा भी सकती हैं तो बच्चे डैश को देख कर ही समझ जाएंगे कि क्या करना है। ये हो गई, और फिर सिंपल पैटर्न राइट ए टू जेड। हालांकि ए टू जेड लिखने में बच्चे नखरे करते हैं पर इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद वो धड़ल्ले से लिख देंगे। तो ये हो गए 15 वर्कशीट आइडियाज। इसे आप अलग अलग वर्कशीट बनाइए जहां तक ABCD बच्चे ने लर्न किया है या जिस भी लेटर की प्रैक्टिस कर रहा है उससे रिलेटेड वर्कशीट आप बना सकती हैं, चाहे मैचिंग हो, चाहे फिलअप हो, चाहे लुक एंड राइट हो या कलरिंग हो। इजी वाले वर्कशीट बच्चे को देना है। ये छोटे बच्चे अभी पढ़ना जस्ट स्टार्ट किए हैं तो उनके लिए आपको अट्रैक्टिव वर्कशीट बनाना है। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा फोटो, कलरिंग ऐड करना है और मैचिंग, सर्कल, ये सारे काम देना है ताकि उनको इंटरेस्ट जगे उस काम में, फोटो देखकर वो अट्रैक्ट हो और फटाफट अपना काम कर लें। तो दैट्स ऑल फ्रेंड, ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।